हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 14 सम्मिति प्रश्नावली 14.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। नीचे सममित रेखाएं दी हुई हैं, अन्य छेद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और इन आकृतियों में ये सममित रेखाएं बनी हुई हैं। अब कहा गया है कि इनमें हमें दूसरा छेद बताना है। तो ए पार्ट में देखिए हमें ये आकृति दी गई है। अब इस आकृति में देखिए ये सममित रेखा है। देखिए सममित रेखा क्या होती है, सममित रेखा एक आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर देखिए ये रेखा इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अब यहाँ पर एक छेद है देखिए, ठीक है। अब देखिए जब मैं इस वाले भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए इस छेद के लिए यहाँ पर दूसरा छेद होना चाहिए, तभी ये छेद इस दूसरे छेद के ऊपर आएगा जब इस तरह से मोड़ा जाएगा। तो यानी जो दूसरा छेद है वो यहाँ पर होगा। तो इस आकृति में दूसरा छेद कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो हमें ये छेद ही बताने हैं, ठीक है। अब बी पार्ट में देखिए ये आकृति दी गई है, इसमें देखिए सममित रेखा ये बनी हुई है। अब ये रेखा इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। अब देखिए जब मैं इस वाले भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए यहाँ पर छेद है, तो इस छेद के लिए दूसरा छेद कहाँ पर होना चाहिए। देखिए जब मोड़ेंगे तो ये यहाँ आएगा, दूसरा छेद जो है यहाँ पर होना चाहिए, तभी जब मोड़ेंगे तो ये छेद इस छेद के ऊपर आएगा। तो इसी छेद की सीध में यहाँ पर दूसरा छेद होना चाहिए, तो दूसरा छेद यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए जब मैं इस भाग को इस तरह से मोड़ रही हूँ तो जब ये वाला भाग इस भाग के ऊपर जाएगा तो देखिए ये दोनों छेद एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ये वाला छेद इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा छेद यहाँ पर होना चाहिए। अब सी पार्ट में देखिए ये आकृति है, इसमें देखिए सममित रेखा ये बनी हुई है। अब ये सममित रेखा इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट रही है, तो जब इस वाले भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ा जाएगा तो देखिए इस छेद के लिए दूसरा छेद कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, तभी ये छेद इस छेद के ऊपर आएगा जब ऐसे मोड़ा जाएगा। तो उसके लिए दूसरा छेद कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए इस छेद की ठीक सीध में यहाँ पर ये दूसरा छेद बन चुका है, ठीक है। अब डी पार्ट में देखिए ये आकृति दी गई है, अब इसमें देखिए सममित रेखा ये है, ठीक है। अब ये रेखा इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अब देखिए यहाँ इस भाग में यहाँ पर छेद है, तो देखिए इस भाग में कहाँ पर छेद होना चाहिए, इस भाग में भी यहाँ पर छेद होना चाहिए, क्योंकि जब हम इस वाले भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ेंगे तो इस छेद के लिए यहाँ पर दूसरा छेद होना चाहिए, तभी ये छेद इस छेद के ऊपर आएगा पूरी तरह से। तो देखिए दूसरा छेद हमने बना दिया है, ठीक इसी छेद की सीध में बनाना है। ये वाला छेद सममित रेखा से जितनी दूर है उतनी ही दूरी पर सममित रेखा से ये दूसरे वाला छेद बनाना है, ठीक है। अब ई पार्ट में देखिए ये आकृति दी गई है, इसमें देखिए ये है सममित रेखा। अब ये सममित रेखा इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अब देखिए जब मैं इस वाले भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी, ठीक है, इस छेद के लिए यहाँ पर दूसरा छेद होना चाहिए, तभी ये छेद इस छेद के ऊपर आएगा। तो देखिए इस छेद के लिए यहाँ पर ये दूसरा छेद बन चुका है। अब देखिए जब सममित रेखा के इस तरफ जो ये वाला भाग है, जब इस वाले भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ा जाएगा तो इस छेद के लिए भी यहाँ पर दूसरा छेद होना चाहिए, तभी वो छेद इस दूसरे छेद के ऊपर आएगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला छेद सममित रेखा से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर यहाँ दूसरा छेद बनाना है और ठीक इसी छेद की सीध में बनाना है। तो देखिए इस छेद के लिए यहाँ पर ये दूसरा छेद बन चुका है। तो जब हम इस भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ेंगे तो ये छेद इस छेद के ऊपर आ जाएगा और ये वाला छेद इस छेद के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।